हाय, आई होप मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बोला था कुछ चीज़ें फॉलो करने के लिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला तो खाने के लिए कि आपको टाइमली खाना है, एंड सेकंड था कि पानी के लिए, जो कि आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। कैसे कैसे पीना था, सुबह पीना था, खाने के इमीडिएटली बाद नहीं पीना था, एंड डिनर के टाइम ऐसे 3 से 4 लीटर पानी पीना था। आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, उसी को देखकर अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस क्योंकि ये किसी बीमारी को हिट करेगा, एंड वो बीमारी जो है वो हम लोगों के हर घर में अप्रॉक्सीमेटली पहुँच चुका है। 99% ऐसा रेशियो होगा जिसके हर घर में पहुँचा है, और वो बीमारी का नाम है डायबिटीज। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इस जो मैं आज एक्सरसाइज लेके आया हूँ वो एक्चुअली योगा है। योगा, अभी आप बोलोगे कि योगा क्यों, पहले मैं आपको होम वर्कआउट बता रहा था, अभी योगा है। ऐसा नहीं है कि योगा भी तो एक होम वर्कआउट है, और योगा आप ऐसा एक्सरसाइज है कि आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। हम लोग एक्चुअली देखा जाए तो योग और नॉर्मल एक्सरसाइज में या जिम में क्या डिफरेंस है, जब आप हम लोग सब जिम जाते हैं या कहीं भी वर्कआउट करते हैं तो अब जैसे मैं बाइसेप्स मार रहा हूँ, देख रहे हो, उस पर मूवमेंट ज़्यादा होता है आपके जब आप एक्सरसाइजेस करते हो जिम में जाके। पर योगा ऐसा है एक्सरसाइज है जहाँ आपके स्ट्रेचिंग को होल्ड करने के लिए, मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए काम आता है। तो आप कोई भी आप योगा एक्सरसाइज योगा देखोगे तो एक्चुअली वहाँ उस जैसे मैं टर्न करना है, ये स्ट्रेचिंग के लिए हैंड के लिए हेड स्टैंड करना है, वो एक स्टेबल पोस्चर होता है जिस पोस्चर में जाके हम लोगों को वेट करना है, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट ऐसा वेट करना है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये आपका डिफरेंस है। और योग मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ करने के लिए क्योंकि आप देखते होगे कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, कोई भी आप प्लेयर्स देखोगे वो इंटरनेशनली, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम ले लो, वो आप देखते हो वो फील्ड में इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, बट आप जब उनकी ट्रेनिंग देखोगे वो क्रिकेट भी खेलते हैं, वो फुटबॉल भी खेलते हैं, वो खो खो भी खेलते हैं, बहुत तरह तरह के एक स्पोर्ट्स रहता है उनके ट्रेनिंग में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जब डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों करते हो ना, आपके बॉडी का अलग अलग मसल्स पे वो जाके हिट करता है। इस वजह से ट्रेनिंग में हर टाइप का एक्सरसाइजेस, हर टाइप का गेम इन्वॉल्व करते हैं, जो भी कोच होते हैं या प्लेयर्स खुद से भी इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनके हर मसल्स बॉडी पार्ट काम करें, और एट द एंड उनको फिटनेस चाहिए कि वो परफॉर्म कर पाए मैच में। तो इस वजह से हम लोगों को भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज करते रहना है। कभी मैं आपके लिए होम वर्कआउट के लिए आपको बाइसेप्स के लिए ले आऊँगा, या फिर ट्राइसेप्स के लिए, चेस्ट के लिए कैसे घर पे करना है जो पिछले वीडियो में भी देखा है और मैं अभी इस बार योगा के लिए आया। योगा में योग विद्या सीखने के लिए मैं आपको बता दूं, वो कोई ऐसा नहीं है कि सालों भर लगता है सीखने के लिए। कोई भी इंसान जिस समय मैं आज कर रहा हूँ, मैं भी कुछ टाइम से ही योगा कर रहा हूँ, कोई भी इंसान जब चाहेगा वो योगा सीख सकता है, योग विद्या सीख सकता है। इसके लिए कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए कि हाँ मेरे को बुक इस नॉलेज पहले होगा फिर योगा करना, ऐसा नहीं। आप आज से स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो, योगा स्टार्ट हो जाता है। आप योग का एक पार्ट सीख लोगे, जैसे आप कोई आसन है आप उसको करोगे, जब उसको परफॉर्म करोगे तो आप सीख चुके हो उस चीज़ को। तो इसके लिए कोई ऐसा योग विद्या सीखने के लिए कोई, और योगा सबसे बेस्ट है, आप सो के उठे बेड पे कर लिया आप, या फिर आप अपने बालकनी में बैठ के कर लिया अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग, जब भी आपको टाइम मिले। इस वजह से हम लोगों को करना है, और प्लीज़ 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 आप लोग डेली करना। बहुत ईजी एक्सरसाइजेस है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-6 मिनट का ही है, मैं इसलिए छोटा एक्सरसाइज ही रखता हूँ ताकि लोगों के पास टाइम नहीं, बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं हो पाता, इस वजह से मैं छोटा छोटा एक्सरसाइज लाता हूँ ताकि और वो इफेक्टिव ज़्यादा हो, ताकि लोगों के पास किसी तरह वो टाइम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी निकाल के कर ले, और बहुत है, 15 मिनट भी आप करते हो बहुत है, स्टार्ट करने के लिए काफ़ी है। एंड एक और चीज़ मैं बोलूँगा, मेरे को काफ़ी लोग, मैं जिनसे मिलता हूँ, मैं अपने फ्रेंड से मिलता हूँ या मैं अपने किसी कलीग से बात करता हूँ या फिर अपने पड़ोसी से बात करता हूँ, वो एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे, अभी गर्मी है तो गर्मी में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिलता है, धूप है। मुझे एक बात नहीं समझ में आता, बहुत लोगों का नहीं समझ में आता, शायद आप लोगों में से जो भी मेरे को देख रहे हो सकता है आप लोग फॉलो करते हो, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा, ठंड में ठंड नहीं लगेगा, और बारिश में बारिश नहीं होगा तो फिर क्या होगा।
और गर्मी, आप इसको गर्मी को गर्मी की तरह क्यों ले रहे हैं? हम लोग इसको एज एडवांटेज भी ले सकते हैं ना। गर्मी में जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको दो चीजें का फायदा होता है। एक तो आपके बॉडी को वार्म अप की ज्यादा जरूरत नहीं होता, आप जल्दी से वार्म अप कर लोगे, इंजरी का बहुत कम चांसेस होता है। और दूसरा जो फायदा होता है कि आपका फैट्स बहुत जल्दी आपके बॉडी से निकलता है, अगर आप चीजों को आप ध्यान से देखोगे तो और अच्छे से करोगे तो। हम लोग इसका एडवांटेज ले लेते हैं। और गर्मी में गर्मी नहीं, बारिश में बारिश होता है तो बारिश में नहीं वर्कआउट कर सकते, फिर ठंड आएगा तो ठंड में उठ नहीं सकते, तो फिर ऐसे हम लोग करते ही रहेंगे तो फिर पूरा साल ही निकल गया। तो हम लोगों को ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, एंड ध्यान देते हुए हम लोगों को आगे इस पर देखना है और कैसे करना है, हम लोगों को इस पर थोड़ा सोचना है। एंड दूसरा चीज, जो एक्सरसाइज है योगा का, ये एक्चुअली डायबिटीज के लिए है। तो मैं उससे पहले मैं आपको दो लाइन है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक बात बताओ, हम लोग पैसे से दवाई खरीद सकते हैं पर आप हेल्थ नहीं खरीद सकते। आप पैसे से इंश्योरेंस खरीद सकते हो, वो इंश्योरेंस कुछ भी हो सकता है, 10 रुपए का, 1000 का, 10000 का इंश्योरेंस खरीद सकते हो, पर आप लाइफ नहीं खरीद पाओगे। तो इस लाइफ खरीदने के लिए, गुड हेल्थ रखने के लिए हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोगों को अब थोड़ा एक्टिव होना होगा और अपने दिन भर के 10 से 15 मिनट 20 मिनट हम लोगों को ये चीज योगा करना होगा, या आप वॉक करो या स्ट्रेचिंग करो, आपको जैसा सही लगता है करो, लेकिन करना होगा और करना है। नहीं तो ये फिर अभी हम लोग देख रहे हैं किसी और को डायबिटीज है, कल हम लोग सेम चीज पे आ जाएंगे, तो हम लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना है और वो चीज नहीं हो। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज आप लोग इसको फॉलो करें, प्लीज आप लोग वर्कआउट करें, एंड प्लीज आप लोग चीजों पे ध्यान दें, और करना है हम लोगों को, ठीक, और हम लोगों को करना है। मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, एंड आप मुझे देख के आप फॉलो करना, एंड या हम लोग आगे ऐसे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा हर महीने एंड हर 15 या 20 दिन में, एंड फिर हम लोग उस पर ध्यान देंगे। आप भी ध्यान देना, आप मुझे जज करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे जज करो कि हाँ ठीक है इसका मेरे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ही नहीं आ रहा है। अगर मैं डेली कर रहा हूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, धीरे धीरे आएगा। वो आप मेरे को जज करना, आप अपने आप को भी जज करना कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, एंड हम लोगों को इस सब चीज़ों को दूर भगाना है जो बीमारियां हैं, क्योंकि मैं फिर से बताता हूँ, आप दवाई खरीद लोगे पर आप हेल्थ नहीं खरीद सकोगे, कभी नहीं खरीद सकोगे, ठीक है। एंड हाँ, हम लोग अपने वर्कआउट पे आगे स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ जो है, जो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्मी के वजह से गर्मी ना लगे हम लोग एसी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ना आपके लिए, ना आपके गार्जियन के लिए, ना आपको आपके बच्चों के लिए, किसी के लिए भी एसी, क्योंकि आप एसी का देखो ना प्रॉब्लम क्या है, एसी का क्या प्रॉब्लम है, आपके सबके अंदर से, बॉडी के अंदर से पसीना बाहर आता है। ऑब्वियसली अगर मेरे यहाँ से पसीना आ रहा है, मतलब वहाँ होल्स हैं, तो एसी क्या करता है, उस होल्स को ही ब्लॉक कर देता है, तो जिसके वजह से आप देखोगे स्किन प्रॉब्लम, इन फ्यूचर जाके स्किन प्रॉब्लम होता है, काफ़ी लोगों को इचिंग का प्रॉब्लम होगा, स्किन के रिलेटेड ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो ये हम लोगों को देखना है कि हम लोग कर क्या रहे हैं और कैसे करना है। तो प्लीज़ एसी पे ध्यान देना एंड कम यूज़ करना, वर्कआउट ज़्यादा करो, वैसे ही गर्मी नहीं लगेगी, चाहे टेम्परेचर बाहर का कुछ भी रहेगा, आप वर्कआउट करोगे, आपके अंदर फैट्स रहेगा ही नहीं जब, तो गर्मी आपको ऑटोमेटिकली कम लगेगी। फैट्स रहेगा तो गर्मी कम है, तो गर्मी ज़्यादा आपको लगेगा। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला है, ये कैलकुलेशन है जो कि होता है, आपको ज़्यादा उस पर रिसर्च करना है तो आप गूगल पे भी सर्च करके आप देख सकते हो एक बारी। पर हम लोगों को इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है, एंड आगे हम लोगों को चलना है और फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना है। हाय, मैं हूँ विशाल, आपका फिटनेस कोच या ऑनलाइन ट्रेनर, एंड वेलकम बैक टू माई चैनल विशाल कुमार वर्कआउट। हम लोग अब अपने योग आसन पे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 आसन है। उससे सबसे पहले हम लोगों को वार्म अप करना है, जो कि बहुत इजी है, मैं करता हूँ, आप मेरे को देख देख के करते रहना। ये वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं है आप देख के सिर्फ इसको बाद में करोगे, इसको फॉलो अलोंग आपको करना पड़ेगा। हम लोग साथ में करेंगे तो ठीक है, एक पार्टनर भी होगा तो हम लोग साथ में इजीली कर सकते हैं। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने आसन पे। तो सबसे पहले रहेगा हम लोगों का वार्म अप के लिए हम लोगों को 30 सेकेंड्स करना है तो 30 सेकेंड्स ही करेंगे या 40 सेकेंड्स करेंगे। 40 सेकेंड्स का वार्म अप होगा, 2-3 एक्सरसाइजेस होंगे,
एंड फिर हम लोग सबसे अच्छा रहेगा टाइम देखने के लिए आप अपना टाइमर अपने पास रख लो, मैं भी अपना टाइमर अपने पास रखता हूँ एंड साथ में हम लोग करते हैं। चलिए हम अपने योग आसन पे। सबसे पहले जो वार्म अप के लिए एक्सरसाइज रहेगा वो हमारे शोल्डर के लिए रहेगा जो कि हम लोगों को 30 सेकंड्स करना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड अब अपोजिट सेकेंड नेक के लिए रहेगा, तो हम लोगों को क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है 15-15 सेकेंड के लिए। नाउ एंटी क्लॉकवाइज तीसरा वो हमारे लेग्स के लिए रहेगा, तो लेग्स के लिए हम लोग फिर राइट लेग आगे रखेंगे एंड देन हम लोग को बस इसको रोटेट करना है। फाइव टाइम्स आप सेवन टाइम्स एट टाइम्स ऐसे जैसे करना ही कर सकते हो, लेकिन मिनिमम फाइव रखना है। नो अपोजिट कमर के लिए हम लोग कमर रोटेट करना है फाइव टाइम्स क्लॉकवाइज एंड फाइव टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। वन एंटी क्लॉकवाइज एंड देन एक एक्सरसाइज बैक के लिए रहेगा। इस एक्सरसाइज में वार्म अप में हम लोगों को ध्यान देना है कि आपको उतना ही पीछे जाना है जितना आप जा सको, ज्यादा जाओगे तो फिर ये कमर का प्रॉब्लम आएगा। टू थ्री फोर वार्म अप के बाद एक चीज और मैं बोल देता हूँ, आप अपने साथ हर समय पानी रखना, मिनिमम हाफ लीटर का बॉटल जरूर रखना, क्योंकि आप जब वर्कआउट करोगे तो हाफ लीटर आप उसको भी एक एक्सरसाइज की तरह पूरा हाफ लीटर आप पानी पीना है मिनिमम। अब एक लीटर रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा रहेगा ना, वर्कआउट भी हो गया एंड देन हम लोग पानी भी पी लिए, तो दोनों काम ज्यादा हो जाता है जो हम लोगों के बॉडी के लिए अभी जरूरी है। एंड तो हम लोग अभी तीन आसन करेंगे, पहला हम लोग करेंगे कपालभाति, तो हम लोग स्टार्ट करता हूँ आप कि मिनिमम एक एक मिनट हम लोगों को सारा आसन करना है, तो टोटल तीन मिनट रहेगा, उसके बाद एक और एक्सरसाइज है वो बताता हूँ एंड देन फिर हम लोगों का एंड हो जाएगा। चल स्टार्ट। हम लोगों को हर आसन कम से कम एक मिनट का करना है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ।
कपालभाति आसन में हम लोगों को उतना ध्यान सांस पे नहीं देना है। अगर सांस का टाइमिंग मैच नहीं भी करता है तो कोई इशू नहीं है हम लोगों को, लेकिन करना है। और करते करते फिर वो साथ में आपका सांस का जो आपका मैच होना चाहिए एक्चुअल में वो हो जाएगा, तो उस पर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी मैच हो रहा है तो उसका कोई नहीं है। दूसरा है अनुलोम विलोम। तीसरा है मधुका आसन। ये बहुत ज़रूरी है। ये आसन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कैसे करना है। ये आसन जैसे अगर मान लो आपसे एक मिनट लगातार नहीं हो रहा है, कोई सुनी है, हम लोग 30 सेकंड्स या 20 सेकंड्स का ऐसा ले लेंगे, फिर जाके होल्ड करेंगे उस पोजीशन में। मान लो किसी से 20 सेकंड्स ही हो रहा है या किससे 30 सेकंड्स हो रहा है, हम लोग उतना टाइम पे रहेंगे, फिर वापस आएंगे एंड देन फिर हम लोग उसको रिपीट करेंगे। करना कम से कम एक मिनट है ही है, चाहे कुछ भी होना है लेकिन करना एक मिनट जरूर। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली होगा कैसे। मधुका आसन, हम लोगों को इस पोजीशन पे रहना है एंड देन हाथ को यू, उसके बाद एक सांस, फिर उसके बाद इस पोजीशन पे जाके हम लोगों को होल्ड करना है। होल्ड करना है हम लोगों को ये एक मिनट के लिए। अगर किसी से एक मिनट नहीं होगा, 20 सेकंड्स के लिए करेंगे, फिर रिपीट करेंगे 3 टाइम्स, तो 1 मिनट हो जाएगा वैसे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आसन डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जिनको डायबिटीज़ है वो करेंगे, ये इसकी गारंटीड है ये कि उनका डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगा जितना मैंने पढ़ा है। एंड दूसरा कि जिनको नहीं है वो अभी से करें ताकि उनको आगे जाके ना हो। प्लीज़ करना है अभी। आफ्टर ये सब आसन करने के बाद अभी मैं फॉलो करता हूँ, एक एक्सरसाइज है जो मैं डेली करता हूँ,
और वो मेरा फेवरेट है, वो है प्लैंक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, कम टाइम में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसको भी हम लोगों को एक मिनट करना है, जिससे ना हो प्लीज आप लोग बहाने ना दें, 10 सेकंड हो, 10-10 सेकंड का ही हम लोग 6 बार करेंगे, 60 सेकंड हो जाएगा, लेकिन करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत कम टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देता है। तो हम लोग प्लैंक का फुल बॉडी के लिए होता है, हर जगह से आपका फैट्स को वो बाहर गलाएगा, आप साइड फैट्स भी, इधर से मसल्स का भी, बाइसेप्स का भी। तो हम लोग को ये डेली करना है, तो हम लोग प्लैंक करते हैं एक मिनट के लिए। आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको अगर अच्छा लगा तो आप इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं अगर इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आता है तो, एंड प्लीज़ सपोर्ट करें एंड कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना। थैंक यू सो मच। एंड आज का जो वीडियो जो बन रहा है वो मेरा एक फ्रेंड प्रभाकर प्रसाद। Keep liking and keep subscribing. Thank you so much. And मैं next video कुछ अच्छे topic पे ले आऊँगा, जिससे वो problem ना हो, जैसे ये diabetes पे था, फिर next video किसी और चीज़ पे ले आऊँगा। And please आप लोग करना इसको, and बहुत अच्छा रहेगा, home workout है, घर पे रह के करना है, risk भी आपके लिए नहीं है। And हाँ, please गर्मी से नहीं भागना, AC से बच के रहना। And एक और चीज़, जो smokers हैं उनके लिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो सिगरेट पीते हो प्लीज़ आप लोग, प्लीज़ रिक्वेस्ट करना, आप लोग जाके सर्च भी कर लेना, लेकिन आप जैसे खाना खाते हो, खाना खाने के इमीडिएटली बाद स्मोक नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। ये एक कैलकुलेशन है, 1+1=2, जो कि फैक्ट है, जो ट्रूथ है, वैसे ही ये भी है। जब आप खाना खाते हो आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, विटामिन जाता है, प्रोटीन जाता है, और उसके इमीडिएटली के बाद आप जब तुरंत सिगरेट पीते हो तो वो निकोटीन आपके बॉडी पे, आपके जो खाना खाता है वो उस पर केमिकल जो रिएक्शन होता है वो आपके बॉडी के लिए अच्छे नहीं रहते, इसलिए आप देखते हो काफ़ी लोग पतले रह जाते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है, जो प्लीज़ स्मोकर्स हैं उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को फॉलो करो। आप इमीडिएटली खाना खाने के बाद सिगरेट नहीं पीना है, पीना है तो आप हाफ एन आवर का टाइम ले लो, 45 मिनट्स का टाइम लो, एंड देन आपको जो करना है आप करो, लेकिन प्लीज़ आप इस पे ध्यान दो, आप सर्च कर लेना, वेरी 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 हार्मफुल है ये, आप ध्यान देना। एंड थैंक यू सो मच, कीप लिविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, बाय।